हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू अपकमिंग अफोर्डेबल के बारे में, जो कि गंगा रियल्टी द्वारा, जो इनकी तथास्तु रियल्टी है, इनकी वैसे दो फर्म इन्होंने बना रखी है, एक लग्जरी की जो गंगा के नाम से और तथास्तु जो अफोर्डेबल देखती है इनकी, तो इनका ये दूसरा अफोर्डेबल है। पहला इन्होंने चार में किया था इसी साल, तथास्तु 102 और ये तथास्तु 35 के राउंड में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो 35 सेक्टर के अंदर, देखिए दोस्तों, आज हमारी ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है, आपको कोई साइट वगैरह नहीं, सब साइट तो काफी लोगों ने डाल रखी है कि साइट कहाँ है और आप जान भी चुके होंगे, आपको वो चीजें समझाऊंगा जो चीजें नहीं है यूट्यूब के ऊपर, यानी आपका जो लर्निंग जो उस एरिए को लेके है वो आपका थोड़ा डेवलप करेंगे, यानी जो इंटरनली जो डेवलपमेंट है, क्या प्लानिंग है, ये ही मेन होता है रियल स्टेट के अंदर। साइट तो आप भी जाके देख सकते हैं, साइट कैसी है, ये ऐसी है, वैसी है, वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनली जो चीजें हैं आपको मास्टर प्लान समझाऊंगा, फिर उस सेक्टर 35 के अंदर किस हिसाब से वो सेक्टर है, क्या डेवलपमेंट आने वाली है वो दिखाऊंगा। वीडियो लंबी बनेगी, जनरल सी बात है, आपको अगर सिखाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा तो वीडियो लंबी बनेगी, बीच में छोड़ के जाना चाह सकते हो तो जा सकते हो, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो अधूरी रह जाएगी, तो डिपेंड आपके। तो मैं आपको कुछ यहाँ नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा, प्लान के अकॉर्डिंग आपको पहले 35 की अहमियत समझाऊंगा कि क्या है, किस हिसाब की चीजें हैं, और फिर हम इंटरनली 35 सेक्टर का मैं इंटरनली प्लान है वो भी आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, मैंने है ना दूसरा चैनल ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रॉपर लर्निंग वीडियो ही आती है। अभी हमने गुड़गांव की रियल एस्टेट की रिगार्डिंग कैसे गुड़गांव डेवलप हुआ, फिर सोना का भी उसके अंदर डिस्कस किया गया था, जो कि स्क्रीन पे आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुड़गांव और सोना का कंपेयर भी है और कैसे कैसे डेवलपमेंट फ्यूचर भी बताए गए हैं, कैसे गुड़गांव डेवलप हुआ था। तो हम अब वहां पर एक सीरीज रेडी कर रहे हैं जिसमें आपको एक एक सेक्टर की इंटरनल डेवलपमेंट का डिस्कस करेंगे, हर मास्टर प्लान वहां पे हरियाणा के डिस्कस करेंगे और सोना के भी एक एक प्लान का मैं डिस्कस करूंगा वहां पे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को, न्यू अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो कि आने वाला है, पूरा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपकी जो अफोर्डेबल के अंदर कितने यूनिट है, पूरी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आ गया है लाइसेंस के अंदर किस हिसाब से क्या टावर, क्या डिजाइन, कहाँ पे क्या कुछ बनने वाला है वो डिस्कस करूंगा। तो चैनल को इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की वीडियो देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे मास्टर प्लान आपको समझाने दे। सो गाइस, ये है सोना मास्टर प्लान या सोना डेवलपमेंट प्लान आप इसको बोलते हैं, और ये 2031 का मास्टर प्लान है जिसको बनाया गया है टाउन एंड कंट्री प्लानर द्वारा। तो दोस्तों एक तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ये बता देता हूँ कि जो ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के इस साइड वाला जो एरिया है वो सोना का आता है, और इस साइड वाला जो एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, तो नू की सीमा आ जाती है, इधर से नू डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। तो ये सोना के जितने भी इंडस्ट्रियल जो एरिया है, ये वाला जो जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारा का सारा नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इसकी रजिस्ट्री नू में होगी, और जितना भी ये वाला जो एरिया है ये आता है सोना के अंदर, तो इसकी रजिस्ट्री सोना के अंदर होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जी आपका सोना, तो आप जैसे गुड़गांव की तरफ से आते हैं, यहाँ पे DMIC का फ्लाईओवर है, कलोर लीफ मान सकते हैं, इधर आप दिल्ली मुंबई कॉरिडोर होते हुए आप दिल्ली या मुंबई चले जाते हैं, और अभी यहीं पे ये सर्कल यहीं पे बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लान है जी, ये बड़ा जो रोड है ये 75 मीटर वाइड रोड है, जो सीधा KMP के अंदर जाके मिलेगा, ये फ्यूचर प्लानिंग है। उसके बाद सेक्टर 3 जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है ये आता है आपका पब्लिक सेक्टर। सो गाइज, ये वाले जो सेक्टर आते हैं ये आते हैं आपके कमर्शियल सेक्टर, और इस रोड को बोला जाता है सोना गुड़गांव एलिवेटेड कॉरिडोर, जो सीधा KMP एक्सप्रेस वे में जाके कनेक्ट होगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्टर 35 की, कि सेक्टर 35 है क्या। देखिए हर सेक्टर के डिवाइड के अंदर जो ये वाले जो रोड हैं, ये है 60 मीटर वाइड रोड, हर सेक्टर के चारों तरफ आप जो रोड देख रहे हैं ये 60 मीटर वाइड रोड आपको आपको मिलेंगे, प्लस 12 मीटर की सर्विस लाइन है। मैं आगे हम समझने वाले हैं दोस्तों इसके प्रॉपर 35 सेक्टर की इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में। वैसे सोना के मास्टर प्लान के बारे में प्रॉपर वीडियो मैंने डाली हुई है, चैनल में आपको मिल जाएगी सोना की और गुड़गांव की। वैसे दोस्तों हम सीरीज आगे बनाने वाले ही हैं, तो हर सेक्टर की वैसे डेवलपमेंट प्लान आपको देखने को मिलेंगे हमारे अदर चैनल के ऊपर। तो दोस्तों अब हम 35 की इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये है सेक्टरों की इंटरनल डेवलपमेंट,
और जितने भी आप सेक्टर देख रहे हैं इनकी इंटरनल डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये डेवलपमेंट है ना 2012 के अंदर बनाई गई थी और ये ड्राइंग है बाय डीटीपी और ये प्लान है 2031 के अंदर। तो आज हम बात करेंगे सेक्टर 35 की। तो सबसे पहले हम सेक्टर 35 की जो लैंड कितनी है इस सेक्टर की वो जानते हैं। इस सेक्टर की जो टोटल लैंड है वो 283 एकड़ के अंदर आती है। इसके अंदर कोई कमर्शियल नहीं है। ग्रीन बेल्ट है आपके 22 एकड़ के अंदर और नेट जो प्लान है प्लान एरिया है वो 252 एकड़ का है। पुलिस स्टेशन आपका 2 एकड़ का इसके अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्टर 35 की जो कनेक्टिविटी है वो किस हिसाब की है। जो 35 का मेन जो फ्रंट है, ये वाला जो फ्रंट है ये है आपका सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ लगता हुआ। फिर डिवाइडिंग रोड आ जाता है सेक्टर 36 और 35 का। तो ये 60 मीटर रोड है, यानी 60 मीटर रोड हो गया दूसरी साइड। दूसरी साइड आपका सेक्टर 2 लगता है जहाँ पे आपके के आर मंगलम यूनिवर्सिटीज हैं और दूसरी साइड 35। तो ये डिवाइडिंग रोड है इस साइड का, ये भी 60 मीटर रोड है। यानी एक साइड सोना रोड है, दूसरी साइड 60 मीटर और दूसरी साइड भी 60 मीटर। इसके बैक साइड वाला जो ये वाला जो फ्रंट आता है इस साइड लगती है इसकी 30 मीटर वाइड रोड, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया है, बांध है यहाँ पे। इसके आगे फिर सारी अरावली की शाखाएं हैं। तो अभी अगर प्रोजेक्ट को देखें, ये थे रोड से जो बाहर के डिवाइडिंग है। अब बात करते हैं 24 मीटर, ये 24 मीटर रोड है जो सोना की तरफ से आता है। फिर ये 24 मीटर रोड है जो एक दूसरे को 60 मीटर रोड से कनेक्ट करता है, यानी दोनों 60 मीटर कनेक्ट हो गए और सोना रोड कनेक्ट हो गया। अब जैसे आज आप विजिट करने जाते तो आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं और यहाँ से है ना फ्लाईओवर के नीचे से ऐसे आप यू टर्न लेते हैं या राइट लेते हैं, तो ये रेवेन्यू रास्ता है। ऐसे ये रेवेन्यू रास्ते से आप आते हो और फिर आप जाते हो साइट के ऊपर, यहाँ से एक रेवेन्यू रास्ता जाता है। ये रेवेन्यू रास्ते से आप आते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 24 मीटर रोड के ऊपर ये गेट है, ये सिवा सोम का फेस वन है जो दीनदयाल की टाउनशिप है, और ये वाला जो फेस आता है ये सिवा सोम का फेस टू है दीनदयाल। इसके बीच में 60 मीटर रोड है। सिवा सोम के दो फेस आते हैं, एक सेक्टर 2 में आता है और एक सेक्टर 35 में। इसी रोड पे रेवेन्यू रस्ते पे थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे HCBHC का फेस वन का वो है और इधर आपके 2BHK और 3BHK के जो फ्लैट्स हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे 1BHK के टावर हैं, यहाँ पे 2BHK के टावर हैं और एंट्री अभी यहीं से होती है। तो इसके बीच से ये 60 मीटर वाइड रोड, तो HCBHC का यहाँ अफोर्डेबल है। अब गंगा वाला का जो प्रोजेक्ट है जो तथास्तु है, कुछ इस तरीके का वहाँ पे डिजाइन है, ऐसे ये लैंड लगती है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आना है। एक एंट्री आपकी 60 मीटर रोड से है, इधर कमर्शियल है, दूसरा कमर्शियल इधर है, तो ये 24 मीटर रोड की एंट्री है। तो यहाँ पे ऐसे टावर हैं और एक टावर ये लास्ट में है, तो ये कनेक्टिविटी आएगी इसकी। इसके बाद जो पीछे वाली ये जो लैंड आती है ये आती है आईरियो की। आईरियो की यहाँ सोना से लैंड ऐसे आ जाती है, दीनदयाल के जो आईरियो के प्लॉट है। ठीक है, यहाँ पे मिलिया है सिल्वर ग्लेड का प्रोजेक्ट इस 24 मीटर रोड के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जो टाउनशिप प्लॉट की है ये है पिरामिड की टाउनशिप यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी कनेक्टिविटी होगी है इसकी। उसके बाद ये गांव का रास्ता ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो 60 मीटर 60 मीटर सोना रोड, फिर 24 मीटर और फिर पीछे ये पूरी अरावली पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, ये और एक रोड है ना 70 मीटर का, ये रोड निकलना है जो DMIC को कनेक्ट करता है यहाँ से, ये प्लान है। तो दोस्तों बहुत सारी डिस्कस करेंगे अभी चैनल के अंदर, क्योंकि आपको इंटरनल डेवलपमेंट की पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। धीरे धीरे करके हम सारी वीडियोज यहाँ पे आपके साथ है कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। दोस्तों ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये फेज टू आ जाता है आपका सिवा सोम का, जो कि दीनदयाल की प्लोटिक टाउनशिप है। ये 24 मीटर रोड है, आप इससे विजिट करने जाएंगे अभी। और ये 60 मीटर रोड निकलना है जो सोना को कनेक्ट होगा सोना रोड के ऊपर। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आप मैंने बताया था कि HCBHC का प्रोजेक्ट है, ये वाला जो फ्रंट आता है 60 मीटर पे तो कमर्शियल का आता है, और इस 24 मीटर रोड पे भी कमर्शियल 2 आएगा, यानी 1 है और ये 2 है। टोटल दोस्तों इसके अंदर 6 टावर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 टावर। इनको थोड़ा जूम करके अच्छी तरीके से इनको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बात करते हैं टावर नंबर 1। ये वाला जो टावर है ये टावर नंबर 1 है ये वाला। इसमें टोटल 23 स्टोरी अपार्टमेंट है, 28 फ्लोर हैं और एक फ्लोर के ऊपर आपको 10 यूनिट आपको प्रोवाइड होंगे दोस्तों। उसके बाद टावर नंबर 2 की बात करें तो 28 स्टोरी आपकी सॉरी 228 इसमें अपार्टमेंट रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं टावर नंबर 3 की, 22 स्टोरी है और 228 यूनिट इसके अंदर है। उसके बाद टावर नंबर 4 हो गया,
इसके अंदर भी 22 स्टोरी है, 228 यूनिट है, टावर नंबर 5 हो गया, 22 स्टोरी है, 228 यूनिट है। छठा टावर आपका ये हो गया, इसके अंदर 22 स्टोरी है और 228 यूनिट इसके अंदर आती है। उसके बाद इसमें अगर देखें तो ग्रीन एरिया यानी पार्क का जो एरिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इंटरनल जो रोड आपके मिलेंगे वो 6 मीटर के वाइड आपके इंटरनल रहेंगे। ये जितने भी आप जो देख रहे हैं ये पार्किंग स्पेस है, ये पार्किंग स्पेस है, ये वाला पार्किंग स्पेस है, ये टावर के नीचे ये पार्किंग स्पेस है, ठीक है। 15 मीटर ग्रीन एरिया रहेगा बाउंड्री के साथ साथ में। उसके बाद क्या चीज़ है इसमें, ये पार्किंग एरिया हो गया, इधर पार्किंग एरिया आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके क्या है, ये कम्युनिटी सेंटर है, 2 कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये स्विमिंग पूल है आपका, स्विमिंग पूल हो गया, ये सारा पार्किंग एरिया हो गया, इधर भी पार्किंग एरिया आपका होगा, ये पार्किंग एरिया होगा, ये टावर की एंट्री यहाँ से होगी, ठीक है जी। उसके कमर्शियल, एक यहाँ पे कमर्शियल है, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कमर्शियल आपका स्पेस हो गया, ठीक है, ये कमर्शियल का स्पेस हो गया, ये कमर्शियल का स्पेस हो गया। उसके बाद ये आपकी एंट्री वगैरह हो गई, इधर से भी एंट्री हो गई, ठीक है। ये यानी 24 मीटर रोड से भी आपकी यहाँ से एंट्री हो जाएगी। तो ये एंट्री और एग्जिट के रूट यहाँ पे हो गए, यानी दोनों एंट्री एग्जिट के ऊपर आपका कमर्शियल रहेगा, 2 कमर्शियल हैं। स्विमिंग पूल आपने देख लिया, स्विमिंग पूल इसके अंदर प्रॉपर प्लांड है, एक ही होती है चीज़ें कहने वाली है, एक ओल्टी प्लांट इसके अंदर है, ठीक है दोस्तों। ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा पार्किंग एरिया है, ये भी पार्किंग एरिया है, हर टावर के साथ आपको पार्किंग एरिया मिलता है, ठीक है। तो बाकी कोई मेजर चीज़ें इसमें मेरे हिसाब से बची नहीं। हर टावर के बीच में जो आपका रोड का जो स्पेस रहेगा वो 6-6 मीटर के रोड रहेंगे, ये सारे ग्रीन एरिए रहेंगे पार्क टाइप के, ये सारे सारे ग्रीन एरिए रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी यूनिट, टोटल यूनिट कैसे हैं, किस हिसाब से हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर आ गया आपका यूनिट का, ठीक है। टावर 1, टावर 2, 3, 4, 5, 6 का, ठीक है। इसमें 3 ही साइज आएंगे, टाइप ए बी और सी, 3 ही साइज आने हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्लोर, ये फ्लोर हैं टावर के 23rd फ्लोर तक, यानी टावर 1 के अंदर ही 23rd फ्लोर है, उसके बाद सारे 22 स्टोरी के आपके अपार्टमेंट है, ठीक है। टाइप ए के 4 फ्लैट रहेंगे एक फ्लोर के ऊपर, टाइप बी के 4 फ्लैट रहेंगे और टाइप सी के 2 फ्लैट, यानी टोटल 10 फ्लैट हैं एक फ्लोर के ऊपर। सभी का सेम कंसेप्ट है सभी टावरों का, ठीक है। यानी 228 यूनिट हर टावर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी और सेम कंसेप्ट रहेगा, 10-10 यूनिट हर टावर के अंदर है, कोई किसी का कोई फर्क नहीं है, जिसमें निकल जाए उसको हाथ जोड़ के ले लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल जो यूनिट होंगी, वो टोटल यूनिट है आपकी 1368 यूनिट इसके अंदर आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो 1368 यूनिट होगी, 6 टावर हो गई, 22 स्टोरी की आपकी अपार्टमेंट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं जी टोटल लैंड जो लाइसेंस मिला है वो 9.90625 एकड़ का लाइसेंस आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए कमर्शियल एरिया आपका 8% का आपका टोटल लैंड के अंदर कमर्शियल एरिया होगा, ठीक है। FAR आपका ये FAR हो गया और बाकी कोई चीज़ें इतनी कोई खास है नहीं दोस्तों जानने के लिए। हाँ, इसमें डेंसिटी की वो डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग आजकल डेंसिटी को काउंट करने लग गए हैं, वो यहाँ पे आ जाएगी डेंसिटी, ठीक है। यानी 1368 अपार्टमेंट में, यानी एक अपार्टमेंट में इन्होंने डेंसिटी को अपनाया है 5 मेंबर के हिसाब से, तो टोटल 6840 पर्सन्स हो गए 1368 फ्लैट के अंदर, यानी 5 मेंबर इन्होंने एक फ्लैट के अंदर काउंट किए हैं, तो डेंसिटी इस हिसाब से 6840 लोगों की डेंसिटी इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें कोई खास है नहीं दोस्तों, बाकी अगर देखना चाहते हैं तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की रेरा की साइट पे जाके भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं साइट का, तो आप समझ भी गए होंगे इसके लिए। तो दोस्तों प्रॉपर्टी देखो अच्छी है, अप्लाई करना चाहिए आपको। अगर अभी आप सोचोगे कि नखरे आप लोगों के ज़्यादा होंगे तो मेरे हिसाब से आप प्रॉपर्टी नहीं बाई कर सकते, और आगे आगे देखते जा रहे हो कि रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। 5000 पर स्क्वायर फीट का रेट गुड़गांव के अंदर हो गया है, 4600 स्क्वायर फीट का आई थिंक सोना के अंदर हो चुका है,
तो प्रॉपर्टी की वैल्यू और साइज अगर देखोगे तो वही जो ततास्तु 1 और 2 के अंदर जो साइज थे वही इसके अंदर साइज आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यही वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी, समझने को भी मिली होंगी। और साइट की अगर वीडियो वो करना चाहते हो तो आप खुद जाओ साइट को देखें, मेरा तो प्लान ये है, क्योंकि जब तक आप चीज़ें देखोगे नहीं ना आप चीज़ें समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों रियल स्टेट के बारे में अगर और आप गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा अदर चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी आपको सीखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों की ये जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो और एक राइट इन्फॉर्मेशन के तहत प्रॉपर्टी वो बाय करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।